नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। करुणा मूलक आधार पर नौकरियों के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बड़ी घोषणा की। सदन में सीएम ने कहा कि 9 महीने के भीतर विधवा महिलाओं या उनके बच्चों को नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विधायकों से भी कमेटी सुझाव लेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के अच्छे सुझाव को भी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। हमारी सरकार ने माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। हमारा मानना है करुणामूलक जो शब्द है उसमें कैसे सुधार करके आगे बढ़ा जाए, और इस दृष्टि से ये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन ही सभी करुणामूलक के परिवार के लोग हमारे बीच में आते रहते हैं और अपनी आय अपने बारे में रोजगार प्राप्त करने की बात करते रहते हैं। मेरा यह मानना है कि कैबिनेट सब कमेटी की जब हमें हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने करुणा मुक्त आश्रितों को नौकरियां, आपदा और कर्मचारियों के एरियर और जीए के मुद्दे को सदन में उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन करुणा मूलक आश्रितों को पूर्व सरकार के समय में कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, आज उनकी सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में केवल 180 लोगों को नौकरियां दी हैं और अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सवालों पर झूठी जानकारी दे रहे हैं कि ठीक परंपरा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बात अब उचित नहीं है। कल भी मैं इस बात को लेकर के बड़ा हैरान था कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीजों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है लगभग 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी, चाहे पीएमजीएसवाई की थर्ड फेज की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 2700 करोड़ रुपए, अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें तो जवाब इनके पास नहीं बनता फिर है। हजारों लोग जिनका घर चले गए लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला, हजारों लोग जिनको आपने कुछ पैसा दे करके उनको शांत करने की कोशिश की, कहने के लिए कहा आपने 7 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे करके उनको छोड़ दिया गया, 1 साल बीत गया और कहा कि प्लिंथ जब होगी उसके बाद दूसरी किस्त देंगे। अरे प्लिंथ नहीं, उन्होंने घर बना करके उसमें रहना भी शुरू कर दिया। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में सुंदर नगर के विधायक राकेश जम्वाल ने स्कूल बंद का मामला उठाया। इस दौरान विपक्ष शिक्षा मंत्री के जमानत से संतुष्ट होकर नाराज हो गए। राकेश जम्वाल ने कहा 1961 से प्राइमरी स्कूल को भी बंद किया गया है। सुंदर नगर विधानसभा में कई स्कूल बंद हुए, उन्होंने कहा कि गुण दोष के आधार पर स्कूल बंद होने चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि युक्तिकरण आज की जरूरत है और ये निर्णय गुणात्मक शिक्षा के लिए लिया गया है, जिस पर असंतुष्ट विपक्ष नाराज दिखे। जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार आई है, लगातार सरकार बिना कारण के संस्थान, कार्यालय, स्कूल बंद करने का काम कर रही है। जहां आते ही सरकार बनने के तुरंत बाद जो है एक पूरे प्रदेश के 1000 से ज्यादा संस्थान और कार्यालय बंद किए थे, वहीं अभी 400 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल, कुछ स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया, कुछ को मर्ज कर दिया। इस मुद्दे को लेकर जब प्रश्न मंत्री से पूछा गया तो उसमें जवाब जो है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन सदन में नियम 62 ध्यानाकरण कर्षण प्रस्ताव के तहत कांगड़ा शाहपुर के विधायक और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर में सांप काटने से हुई 2 लोगों की मौत का मामला उठाया।
और सांप काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने की मांग की। साथ ही सांप काटने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन पर पीएचसी और 108 में उपलब्ध करवाने का सरकार से मांग की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने जवाब में कहा कि सरकार हर पीएचसी में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और 108 एम्बुलेंस में भी इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि सांप के काटने पर समय रहते व्यक्ति का इलाज हो सके। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार ने सांप काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने साथ 4 लाख मुआवजा देने का भी सदन में आश्वासन दिया है, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। सांप के काटने में लगने वाले इंजेक्शन प्रदेश के कंसर्न में बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय था कि सांप के काटने से, आपने भी देखा होगा सब लोग आप ग्रामीण प्रवेश के हैं कि खासकर जब बरसात का महीना आता है, जब किसान जो है खेत में घास काटते हैं, तो ये सांप के काट के निकालने के मामले मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 दिन पहले ही हार चुके हैं। और मनेई में एक जेबीटी टीचर था और एक 10 साल का बच्चा था धीमान, उनकी डेथ, इसलिए मैं नियम 62 के अंतर्गत जो है मैं ये चर्चा लेके आया था। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैंने ये विनम्र प्रार्थना की, सबसे पहले तो मैंने ये प्रार्थना की 62 के अंतर्गत की इसको नोटिफाइड। रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 7 वर्षों से बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती ना होने से नाराज शारीरिक शिक्षकों ने बुधवार को परिवार सहित विधानसभा मार्च किया। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने चौड़ा मैदान पर लगे बैरिकेड्स के आगे जाने के प्रयास किया और इस दौरान बेरोजगार युवाओं की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की हुई। बेरोजगार शिक्षकों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर बेरोजगार शारीरिक संघ आंदोलन रहा। अब एक बार फिर मानसून सत्र होते ही बेरोजगार शारीरिक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सात साल से 14 बार आ चुके हैं और हमने 6 बार प्रोटेस्ट कर लिया है। आज हमारी अपनी नौबत आ गई है। हम बाल बच्चे के साथ आज हम इस नौबत में पहुंच चुके हैं कि ये जो हमारे अनुशासन बंद करने वाला काम मजबूर कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए हैं, अपने से मिलने नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। लेकिन ये बैरिकेड लगा के साबित कर दिया, साबित कर दिया, ये बिल्कुल अनपढ़ है और ये पढ़े लिखे हैं। मेरे पास एक बात, ये जो हमारे जितने भी जो बेरोजगार जो शारीरिक शिक्षक जो लोग यहाँ पे आए हैं, 1998 से लेकर 2024 चला हुआ है और ये सरकार को देखना चाहिए। 26 साल हो गया ऐसे बेरोजगारी को, बड़े बड़े शर्म की बात है ऐसी सरकार को। हम लोग वो हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमारी पोस्टें अभी तुरंत इसी मंथ में प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। 870 पोस्टों का जो प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, जितने भी जो अपने जो साथी लोग आए हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने 6 घंटे की पेन डाउन हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी की है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और सैलरी भी बढ़ाई जाए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल में मरीजों की पर्चियां बनना बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत आ रही है। पर्ची काउंटर के बाहर सुबह से लंबी लाइन लगी है। अस्पताल में पहुंचे मरीजों के मुताबिक वह लोग दूर दराज के इलाके से इलाज कराने पहुंचे हैं, ऐसे में वह बिना इलाज कराए घर नहीं जा सकते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा जो रेगुलर पे स्केल है वो माना जाए। हमारा जो रेगुलर पे स्केल का मामला है वो पिछले 2 सालों से सरकार के पास लटका हुआ है, जबकि 2016 में 39 आदमियों को ऑलरेडी रेगुलर पे स्केल दिया जा चुका है और टांडा में भी दिया जा चुका है, नाहन में 8 आदमियों को दिया जा चुका है, उसके बाद 2019 में 8 साल पूरे हुए। 55 जो लोग हैं आरकेएसपी, उनको काफी टाइम से, जो बचे हुए 55 लोग हैं उनको काफी टाइम से रेगुलर पे स्केल है वो दिया नहीं जा रहा है। और रेस्ट आरकेएस के अंदर पहले भी 2016 में 39 बंदों को 1/4/2016 से रेगुलर पे स्केल दिया जा चुका है। आरकेएस के अंडर जो है एक
फ्रेम्ड पॉलिसी है जो बनी हुई है, जिसमें 8 साल के टर्नओवर पूरा करने के बाद एक नया। सोलन में जावली के समीप एक चलती कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, कार चालक ने वाहन को रोका और सभी कार सवार भागकर बाहर आ गए। कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप ले लिया और कार धू धू कर उन्हीं के सामने जलने लगी। आग को बुझाने के लिए कोई यंत्र ना होने की वजह से आग पर नियंत्रण नहीं हो पाया। आग की वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति देखने को मिली। ये कार चंडीगढ़ से सोलन की ओर आ रही थी। बाद में मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग को बुझाया। इस घटना में वाहन को तो भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानी नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Really fast. I can make dosas fast.